हाइजीन चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। तो हम कहेंगे यह कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसको हम क्या करते हैं क्लासिफाइड करते हैं, वह क्लासिफाइड उसके टू ग्रुप्स में करते हैं। यह हमारा टू ग्रुप्स मतलब डिजीज जो दो फॉर्म में क्लासिफाइड होते हैं, एक कम्युनिकेबल के फॉर्म में और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में। हम अगर बात करेंगे पैथोजेंस का तो हम कहेंगे कि यह पैथोजेंस किसे कहते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता हो, मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज का कॉजल एजेंट बने वह क्या कहलाएंगे, तो पैथोजेंस कहलाएंगे। मतलब कहेंगे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, मतलब जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉलरा का, तो कॉलरा जो डिजीज है और विब्रियो कॉलरा जो क्या है पैथोजेंस है। या मेरा कॉलरा जो डिजीज कहलाएगा और उसी जगह पे जो होंगे वह विब्रियो कॉलरा वह क्या कहलाएंगे, तो विब्रियो कॉलरा जो होंगे वह पैथोजेंस कहलाएंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह पैथोजेंस के ही बेसिस पे हम डिजीज को दो फॉर्म में क्या करते हैं, तो क्लासिफाई करने के बाद उसके अंदर डिजीजेस के डिफरेंट इन्फेक्शंस को और उनके इन्फेक्शस एजेंट को इंक्लूड करने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज का, तो हम कहेंगे कि वैसे डिजीज जो क्या हो ट्रांसमिटेड हो, जो कहाँ से, तो वन पर्सन से अनदर पर्सन से, मतलब वन इन्फेक्टेड पर्सन से अनदर नॉर्मल पर्सन में जो डिजीज क्या हो, वो डिजीज जो ट्रांसमिटेड हो, तो या तो कब कैसे होंगे, या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा होंगे या फिर वो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी पे अटैक करे, या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो भी फूड मटेरियल्स ले और उसके द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करने का काम करे, या फिर ब्लड या फिर सीरिंज की बात करेंगे तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या ब्लड का डोनेशन होना हम कह सकते हैं कि उसमें यह इनडायरेक्ट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। किसके लिए, तो ब्लड इनडायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए। जबकि अगर इनहेलेशन ब्रीथिंग सांस लेने के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करे और देन आफ्टर हमारे बॉडी के लंग्स को या फिर बॉडी के ऑर्गेन्स को इफेक्टेड करा देने का काम करेंगे, उस तरह के डिजीज हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाने जाएंगे। हम कहेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वह ट्रांसमिटेड होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो ट्रांसमिटेड होते हैं कंटामिनेटेड फूड के द्वारा होते हैं, मतलब ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमारा फास्ट फूड या फिर जंक फूड कहलाते हैं, या फिर वैसे फूड मटेरियल्स जो हम लोगों के आसपास जो फूड मटेरियल जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फास्ट फूड जंक फूड के अलावा भी अगर हम जो प्रोडक्ट होटल्स के या फिर रेस्टोरेंट्स के जो प्रोडक्ट्स को हम लोग लेते हैं, तो जिसमें क्या रहते हैं एज ए कैरियर के रूप में हाउस फ्लाई उस पर बैठते हैं, जो डिजीज को प्रोड्यूस कराने का मेजर रोल प्ले करने का काम करते हैं, और उस तरह के फूड मटेरियल्स को जैसे हम लोग अपने करते हैं देन आफ्टर उस तरह का कंटामिनेटेड फूड मटेरियल्स हमें डिजीज प्रोड्यूस करा देने का काम करता है। हम कहेंगे कि वाटर्स का, वाटर्स में कैसा वाटर्स, तो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर्स जिसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो डिजीज को प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे कंटामिनेटेड एयर का, तो कंटामिनेटेड एयर की बात करेंगे तो उसके भी द्वारा जो पॉल्यूटेड या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो एयर में प्रेजेंट रहेंगे उसको भी वो क्या काम करेंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान इसको भी अपने करके और बॉडी को कंटामिनेट कराने का काम करेंगे। या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मेजर रोल प्ले करने का काम करेंगे डिजीज को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए। या फिर इन्फेक्टेड क्लॉथ्स के द्वारा, मतलब वैसे कपड़े क्लॉथ्स जो हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड हो, जो हॉस्पिटल वगैरह में जाने के बाद अगर किसी भी पेशेंट्स जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहे हो और उनके साथ में जो पर्सनली रूप में अगर रिलेशनशिप या फिर उनके प्रॉपर केयर के दौरान क्या होते हैं कि क्लॉथ भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उस क्लॉथ का दोबारा से रीयूज करने के बाद में इन्फेक्शन के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाई होता है। कहाँ पे, तो हमारे इस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। या फिर हम कहेंगे अटल सेल्स, अटल सेल्स का मतलब होता है कि जो हम लोग उसके बर्तन
यूजेबल मटेरियल्स को अगर हम यूज करते हैं इनफेक्टेड पर्सन से, कौन करते हैं? नॉर्मल पर्सन, जहाँ पर वो भी सफर करने लगते हैं। तो किसे सफर करने लगते हैं? वो भी कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करने लगते हैं। हम कहेंगे या कम्युनिकेबल डिजीज का जो टाइप होंगे तो जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, कॉलरा जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, टाइफाइड जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कॉलरा कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होते हैं, जबकि टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड मटेरियल्स के द्वारा होते हैं। मलेरिया का बीमारी जो हम कह सकते हैं कि या मेरा किसके द्वारा होंगे तो इंसेक्ट्स के द्वारा होंगे, और डिसेंट्री जो हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स के द्वारा होंगे, ट्यूबरक्लोसिस जो हम कह सकते हैं कि कंटामिनेटेड एयर के द्वारा होंगे। ये सभी किसके टाइप्स होंगे? तो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के भी नाम से जाने जाते हैं, और जबकि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में एक ऐसे डिजीज जो हमारे क्या हो तो नहीं ट्रांसमिटेड हो, कहाँ से? तो वन पर्सन से, किसमें? अनदर पर्सन में। किसके द्वारा? या तो एज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा, या फिर वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा। तो हम क्या कराएंगे? नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाने जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बेस्ट एग्जाम्पल्स के रूप में डायबिटीज होंगे, या फिर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो हमारा रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है, रिजल्ट रेस्पिरेशन के द्वारा, या ब्रोंकाइटिस डिजीज प्रोड्यूस आउट होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे डायबिटीज का, या डायबिटीज जो हमारा कह सकते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। हम कहेंगे कि जो डिजीज जो वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं डिजीज को मतलब प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, वो हमारे टारगेट से यानी हमारे बॉडी सेल में जो एंट्री करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं? तो वह हमारे फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा और एयर के द्वारा। और इसके द्वारा फूड मटेरियल जैसे ही लेते हैं कंटामिनेटेड फूड या वाटर या फिर एयर में प्रेजेंट रहने वाले पॉल्यूटेड या फिर अनडिजायरेबल जो मटेरियल सब्सटेंसेस जो पॉल्यूटेड मिलियाज में होंगी एयर, उसमें भी हमारे कह सकते हैं कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का या फिर इन्फेक्टेड करने का काम करेंगे। दूसरी बात कहेंगे या हमारे कट्स द स्किन या फिर हमारे बॉडी के ही अगर स्किन को कट आउट करके एज ए टारगेट साइट के द्वारा एंट्री करने का काम करता है, इसके द्वारा एज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा स्किन को कट करने के बाद में रिजल्ट हम लोग के बॉडी का स्किन जो टारगेट बॉडी सेल्स कहलाते हैं इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री करने का। अगर हम बात करेंगे कैरियर्स, कैरियर्स जो मेडिएटर कहलाता है, रिजल्ट मेडिएटर्स का मतलब या हमारे मॉस्किटोज या फिर फ्लाइज के लिए क्या होंगे? तो हमारा रिस्पॉन्सिबल होंगे ये हमारे डिजीज को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए। रिजल्ट मॉस्किटोज जो रिस्पॉन्सिबल होंगे मलेरिया जैसे हम कह सकते हैं कि डिजीज को प्रोड्यूस कराने के लिए, जबकि फ्लाइट होंगे वो हमारे किस तरह के, तो हम कह सकते हैं कि टाइफाइड के जैसे, डिसेंट्री के जैसे और कॉलरा जैसे डिजीज को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कौन होंगे? तो यह हमारा डिजीज को प्रोड्यूस करने वाला हमारे